नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट विजन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीडीएस 2 एम टेस्ट एग्जाम पेपर, मॉडल एग्जाम पेपर, जो कि 15 मार्च 2020 को एग्जाम होने वाला है। उसके ऊपर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, वो देखने वाले हैं। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के ऊपर जो एमसीक्यू बनाए थे, 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपने देखे और उसे काफी पसंद किया है। तो उसके लिए आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको कुछ क्यूरीज है, कुछ डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जाकर वहां भी पूछ सकते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि पोस्टल वॉल्यूम 5, पोस्टल गाइड, सभी क्वेश्चन पेपर कवर किया है, क्वेश्चन कवर किया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप अंत तक देखे, लास्ट तक देखते रहिए। आपको जो कोई कुछ आंसर या पे कुछ क्यूरीज हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख ले। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीडीएस दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि आने वाली वीडियो उनके साथ पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। चलो सर फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन पेपर 2 होने लगे हैं, एक पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 में है पीओ गाइड, इंडिया पोस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, और उसके बाद मैथ्स, मैथ का जो पार्ट है और जीके का, ये पार्ट 1 में लेने वाले हैं। और पार्ट 2 में हम इंग्लिश और एसी राइटिंग और लेटर राइटिंग वो देखने वाले हैं। और जो पार्ट 1 है, उसके लिए टाइम है 1 घंटे का और कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन है और उसके मार्क है 1 क्वेश्चन 2 मार्क का है। इसलिए हम जो भी आंसर देंगे वो ध्यान से देना है, क्योंकि हमारे पास टाइम तो है 1 घंटे का, लेकिन मार्क्स अगर गलत दिया है तो 2 मार्क कम होने वाले। इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया ध्यान से आंसर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मेन ऑफिस ऑफ ग्रुप पोस्ट ऑफिस कंसिस्टिंग ऑफ इटसेल्फ एंड अ नंबर ऑफ स्मॉलर ऑफिसेस कॉल्ड द सब एंड ब्रांच ऑफिस व्हिच हैव बीन प्लेस्ड अंडर इट्स अकाउंट ज्यूरिसडिक्शन इज कॉल्ड एज, ऑप्शंस है हेड पोस्ट ऑफिस, फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, आपके साथ पास 10 सेकंड है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलो दोस्तों, इसका आंसर है हेड पोस्ट ऑफिस। जो हेड पोस्ट ऑफिस रहता है वो एक ग्रुप का है, यानी कि हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर एसओबी है और बीओबी है, तो इसका सही आंसर है ए, हेड पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड ऑन अ लाइन थ्रू मेल कम्युनिकेशन रिसीव शॉर्ट बैग इंटेंडेड फॉर द ऑफिस इन एडवांस विदाउट ओपनिंग ऑफ देम, तो कौन सा ऑफिस है जो ऑनलाइन ऑन अ लाइन थ्रू मेल कम्युनिकेशन रहता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, टीएमओ ट्रांजिट मेल ऑफिस, बी एसओ यानी कि सब ऑफिस, सी ट्रांजिट ऑफिस और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर बनता है ट्रांजिट ऑफिस। ट्रांजिट ऑफिस रहता है वो बैग विदाउट ओपनिंग बैग वो रिसीव करता है, वही फॉरवर्ड कर देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। मार्क द करेक्ट ऑप्शन, शॉर्टिंग मेल ऑफिस चार्ज्ड विद द ड्यूटी ऑफ ओपनिंग शॉर्टिंग मेल बैग रिसीव्ड बाय इट डिपॉजिटिंग ऑफ देयर कंटेंट्स, एपीएमसी मीन्स ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, शॉर्टिंग इज डन बाय मशीन, सीआरसी मीन्स कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर, रजिस्ट्रेशन वर्क डन बाय द कंप्यूटर एंड डी ऑल द अबव। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने एमसीक्यू के पार्ट में भी देखा था, तो आपको सभी को यार को इसका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर है ऑल द अबव, क्योंकि ऊपर के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन है ए पोस्ट ऑफिस और शॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन विच एक्सचेंज, यहाँ एक्सचेंज है मेल विद ऑफिस इन अ फॉरेन कंट्रीज इज नोन एज ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज विच द वर्क असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी
on foreign mail is also carried out. C. A sub foreign post office is does not close and receive any bag but which the work of custom examination, assessment and accounting for the custom duty is carried out. तो ये चार तीनों की तीनों जो है ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा आंसर होता है ऑल द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसको समझना है कि क्या कह रहे हैं. कि कई बार ऐसा होता है मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन होता है, आप करेक्ट आंसर है मार्क द करेक्ट बोल के उसको लिख देते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा ट्रैकी क्वेश्चन आ सकता है. तो आप उस क्वेश्चन को पहले पढ़े, ध्यान से पढ़े, आपके पास एक घंटे का समय है कुल मिला के 50 क्वेश्चन के लिए, तो आपके साथ पास समय बहुत है, इसलिए आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़े उसके बाद ही आंसर दे. जल्दबाजी में दिए आंसर मत दीजिए, क्योंकि आपके वो मार्क्स कट सकते. क्वेश्चन नंबर 5 है, जर्नी परफॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ सेक्शन ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ इट बिट्स इज कॉल्ड. यही को ये भी क्वेश्चन हमने अपने एमसीक्यू पार्ट में देखा था, तो इसका सही आंसर है ट्रिप. दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस इजी लगेंगे क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसके ऊपर ही बनाए गए. यही क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकते, इसके जैसे यानी कि इस सिलेबस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. लेटर पोस्टेड अप टू द प्रिस्क्राइब्ड आवर ऑफ क्लोजिंग ऑफ द मेल्स बट विद इन द टाइम परमिटेड फॉर पोस्टिंग एंड विदाउट अफेक्सिंग प्रिस्क्राइब्ड पोस्टेज एंड लेट फी आर कॉल्ड. तो लेट लेटर और टू लेट लेटर, ये डेफिनेशन नंबर 57 या 56 में दिया गया है, तो आप वहां भी देख सकते हैं कि टू लेट लेटर्स क्या होते हैं और लेट लेटर क्या होते हैं. तो इसका सही आंसर है टू लेट लेटर्स. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. मार्क द करेक्ट ऑप्शंस. ऑप्शन है चेंजिंग स्टेशन इज अ रेलवे स्टेशन इज वेयर द बिट्स आर टू ट्रांजिट सेक्शन जॉइन एंड वेयर द मेल ब्राउट बाय वन ऑफ देम आर हैंडेड ओवर टू द अदर. बी अ कनेक्टिंग स्टेशन इज एन आरएमएस सेक्शन वर्किंग इन अ ट्रेन इन इमीडिएट कनेक्शन विद अनदर ट्रेन इन विच आरएमएस सेक्शन वर्क. C. Registration newspaper renewal or cancelling any registration issued by the head of the department. Or D. All the above. तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं वो सही है, इसलिए हमारा आंसर बनता है D. ये हमने 7 क्वेश्चन थे ये जो कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के ऊपर. सेम इस पैटर्न से ही आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 7 क्वेश्चन आ सकते हैं डेफिनेशन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर प्रोवाइडिंग पोस्टल सर्विसेज द होल कंट्री हैड बीन डिवाइडेड इनटू हाउस मेनी सर्कल्स. क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट पोस्ट बहुत सर्कल्स में डिवाइड हो चुका है, तो नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं यही पूछा गया है. तो ऑप्शन से ए 16, बी 22, सी 23 और डी 24. तो हमारे कुल मिलाकर 23 सर्कल्स है. क्वेश्चन नंबर 9 हेड ऑफ द पोस्टल सर्कल इज हेडेड बाय. तो हेड ऑफ पोस्टल सर्कल का हेड कौन होता है, डीपीएस, बी पीएमजी, सी एपीएमजी, डी सीपीएमजी. तो चीफ पोस्टमास्टर जनरल होते हैं वो पोस्टल सर्कल के हेड होते हैं, डीपीएस होते हैं डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेस, वो आरओ लेवल पे भी होते हैं सीओ लेवल पे होते हैं. पोस्टमास्टर जनरल ये की आरओ लेवल पे होते हैं, असिस्टेंट पोस्टमास्टर जनरल ये सीओ लेवल पे होते हैं. तो हेड जो होता है वो सर्कल का चीफ पोस्टमास्टर जनरल होता है. क्वेश्चन नंबर 10 द पब्लिक बिजनेस हाउस ऑफ पोस्ट ऑफिस आर फिक्स्ड विद रिगार्ड टू. जो कि पब्लिक बिजनेस हाउस है हमारे पोस्ट ऑफिस का वो किसके तहत फिक्स किया जाता है, ए लोकल कन्वीनियंस और द अराइवल ऑफ टाइमिंग ऑफ मेल और द डिपार्चर टाइम ऑफ द मेल. यानी कि वहां की लोकल कन्वीनियंस की वो कन्वीनियंस को देखकर किया जाता है या अपना मेल जिस टाइम आता है उस टाइम को देखकर किया जाता है और मेल डिस्पैच होता है उस टाइम को.
तो इसका सही आंसर है आंसर सी, यानी कि तीनों ऑप्शन देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाय, पोस्ट ऑफिस का जो वर्किंग आवर्स है वो कौन फिक्स करता है। ऑप्शन देखते हैं, ए हेड ऑफ द डिवीजन, बी हेड ऑफ द रीजन, सी हेड ऑफ द सर्कल, डी डायरेक्टरेट जनरल। तो जो कि पोस्ट ऑफिस से एसओ है, उनका जो एसओबीओ का उनका जो टाइमिंग है पोस्ट ऑफिस का, वो जनरली हेड ऑफ द सर्कल ही फिक्स कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पोस्ट ऑफिस कितने क्लास में डिवाइड हुआ है। ये क्वेश्चन टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस के ऊपर दिया गया है। तो पोस्ट ऑफिस ऑप्शन है ए 1, 2, 3, 4, तो 3 का कैटेगरी में पोस्ट ऑफिस डिवाइड हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफिस डज नॉट ट्रांजैक्ट ऑल टाइप ऑफ पोस्टल बिजनेस। इनमें से कौन सा पोस्ट ऑफिस है जो किसी ट्रांजैक्शन सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो हेड पोस्ट ऑप्शन से हेड पोस्ट ऑफिस, बी सब पोस्ट ऑफिस, सी ब्रांच पोस्ट ऑफिस, या डी जनरल पोस्ट ऑफिस। जीपीओ में सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं, सब ऑफिस में एसओ में भी होते हैं और एचओ में होते हैं। तो इसका सही आंसर है सी ब्रांच पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 14, द पोस्ट कार्ड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चरर साइज लिमिटेड, जो कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरर होते हैं उनका जो पोस्ट कार्ड का उसका साइज क्या है। ये आप कहीं से भी रट ले या पढ़ ले, आपको ये ध्यान में रहना ही चाहिए रहना। मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर और मिनिमम 10 × 7 सेंटीमीटर, ये सही आंसर है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते, साइज लिमिट ऑफ लेटर एंड रोल इज, तो इसका भी वैसा ही है। तो लेटर का जो लेटर होता है पोस्ट करते हैं उसका साइज कितना होना चाहिए, तो इसका मिनिमम 11 to 7 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 60 to 90 सेंटीमीटर, और जो रोल है उसका 10 × 17, तो इसका सही आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 16, मैक्सिमम साइज ऑफ लिमिट ऑफ पार्सल्स, तो इसके ऊपर भी सवाल आता है। ऑप्शन देखते, लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड लेंथ एंड ग्रीथ ऑफ 1.80। अब जब पार्सल बुक करते हैं पॉज में, तो वहां भी ये पूछा जाता है कि जो लेंथ LBH, तो लेंथ और ग्रीथ कितनी है। तो इसका सही आंसर है ए, लेंथ 1 मीटर एंड लेंथ एंड ग्रीथ ऑफ 1.80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन ऑन कैश फैसिलिटी इज ऑथराइज्ड बाय, एंड हाउ मच लेटर मे बी पोस्टेड टू हैव दिस फैसिलिटी। प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज की जो फैसिलिटी कैश फैसिलिटी है वो कौन ऑथोराइज करता है और कितने लेटर तक रहती है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, हेड ऑफ द सर्कल, अनरजिस्टर्ड पास 500, बिग सिटी एंड 250, स्मॉल सिटी रजिस्टर 50, डीजी पोस्ट अनरजिस्टर 1000, बिग सिटी एंड 500, स्मॉल सिटी रिगार्डिंग रजिस्टर 100, हेड ऑफ द डिवीजन अनरजिस्टर 5000, बिग सिटी एंड 1000, स्मॉल सिटी रजिस्टर 500। तो इसका सही आंसर है ए, हेड ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 18, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन तो जरूर आना ही आना है। फी फॉर अवेलिंग पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी इज, तो पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग जो है उनके लिए फी कितनी है। तो पोस्ट बैग विथ पोस्ट बॉक्स है तो उसके लिए अलग है, पोस्ट बैग के लिए फी अलग है और पोस्ट बॉक्स के लिए। अगर पोस्ट बॉक्स ही लेते हैं तो उसके लिए कितनी है। तो ऑप्शन देखते, 150 पर ईयर एंड 50 पर क्वार्टरली, 250 पर ईयर, 100 क्वार्टरली, 100 पर ईयर और 50 क्वार्टरली, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ये,
150 पर ईयर और 50 रुपीज क्वार्टरली। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फी फॉर अवेलिंग फैसिलिटी ऑफ बॉक्स पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग इज कंबाइंड। अगर पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग कंबाइन लेते हैं तो उसके लिए कितना फी है? तो पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग कंबाइन लेते तो उसके लिए 250 पर ईयर और 80 रुपीज क्वार्टरली की फी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पोस्टल आर्टिकल इन ट्रांसपेरेंट कवर्स एंड इन ओपन पैनल एनवेलप इफ नॉट कंफर्म द कंडीशन शुड बी। अगर कोई एनवेलप ट्रांसपेरेंट कवर में है और वो उसका ओपन पैनल है एनवेलप का, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? तो हम उसे ऑप्शंस क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, टैक्सेड एंड सेंड टू द ऑफिस डिलीवरी, बी सेंड टू आरएलओ रिटर्न लेटर ऑफिस, सी रिटर्न टू सेंडर, और डी नन ऑफ दिस। तो हम सही सही इसको मैनर ऑफ पोस्टिंग के तहत रिटर्न टू सेंडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फ्रैंकिंग आर्टिकल कैन बी पोस्टेड, जो कि फ्रैंकिंग मशीन है उसके आर्टिकल कहाँ पोस्ट किए जा सकते? ऑप्शन देखते हैं, एनी पोस्ट ऑफिस, बी ओनली टू पोस्ट ऑफिस, सी हेड पोस्ट ऑफिस, या डी ऑल सब पोस्ट। जो कि फ्रैंकड मशीन आर्टिकल है वह कहाँ पोस्ट होती? तो वो ऑथोराइज होता है कि एक या दो पोस्ट ऑफिस में, वो डिविजनल हेड ऑथोराइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज इशूड बाय। फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है उसकी फी कितनी है? 375। तो लाइसेंस कौन इशू करता है? हेड ऑफ द सर्कल, हेड ऑफ द डिवीजन, डीजी पोस्ट और एनी ऑफ दिस। तो जो कि फी है सॉरी जो कि लाइसेंस है वो हेड ऑफ द डिवीजन इशू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल फी ईच आर्टिकल। तो अगर कोई आर्टिकल मान लो बुक किया है उसको रिकॉल करना है तो उसकी फी क्या है? ऑप्शन देखते हैं, 9 रुपीज, बी 6 रुपीज, सी 3 रुपीज, डी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसकी जो सही आंसर है वो बी 6 रुपीज। सी का है 3 रुपीज, हम जो कि एसी किट के लिए लेते, और जो ए का 9 है वो आईडी कार्ड के लिए लेते। पोस्टल रिस्टेनेट आर्टिकल कैन बी डिटेनेड, जो कि पोस्टल कोई मान लो कोई कस्टमर है वो अगर कोई किस वजह से अगर वो एक महीने के लिए जो या दो महीने के लिए जो बाहर जाने वाला है, तो वो अपने पोस्ट मास्टर को एक लेटर देता है कि मेरे कोई आर्टिकल आता है तो आप उसको पोस्टल रिस्टेनेट करके रख दीजिए। तो वो कब तक डिटेन रखना चाहिए? तो ऑप्शन देखते, 7 डेज, बी 1 मंथ, सी 15 डेज, कैन नॉट बी डिटेन। तो इसका सही आंसर है एक महीने तक, हम 1 मंथ तक उसको डिटेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द वेट लिमिट ऑफ बुक पैटर्न एंड सैंपल पैकेट, जो बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट है तो उसका वेट लिमिट कितना है? ऑप्शन देखते, 4 केजी, 2 केजी, 20 केजी, 5 केजी। तो इसका सही आंसर है 2 केजी। द फॉलोइंग चार्जेस आर एग्जम्प्टेड टू द ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। क्वेश्चन नंबर 26 से, द फॉलोइंग चार्जेस आर एग्जम्प्टेड टू द ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। तो उसके ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन, बी फी फॉर एक्नॉलेजमेंट, सी फी फॉर अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसीट, डी ऑल द बी। तो ब्लाइंड लिटरेचर जो है वो टोटली फ्री होता है, इसलिए वो उसका कोई चार्ज नहीं लेते। तो इसका सही आंसर है ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 27, नो कॉम्पेंसेशंस विल बी पेएबल इन केस। अगर मान लो कोई कस्टमर ने कॉम्पेंसेशन के लिए किया है और वो अगर ये क्राइटेरिया में मिल जाता है तो उसको हम कॉम्पेंसेशन नहीं देते। तो उसके लिए कौन से क्राइटेरिया है? ए फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय फॉल्ट और निग्लिजेंस बाय द सेंडर, अगर सेंडर की वजह से उसमें उसकी निग्लिजेंस की वजह से ही डैमेज हो गया है। बी आर्टिकल इज प्रोहिबिटेड बाय ट्रांसमिशन और बाय पोस्ट, अगर वो ट्रांसमिशन के लिए प्रोहिबिट किया गया है तो। सी फॉर डैमेज इन केस विच द कंटेंट ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल आर लिक्विड और पेरिशेबल आर्टिकल
और आर्टिकल ऑफ द एक्सेप्शनली फ्रेजाइल नेचर डी ऑल द अबव, तो इसका सही आंसर है ऑल द अबव। अगर ऊपर ऊपर के तीनों ऑप्शन से उस केस में कोई आर्टिकल मिल जाता तो हम उसे कॉम्पेंसेशन नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द फॉलोइंग केसेस इंश्योरेंस इज कंपल्सरी व्हेन आर्टिकल कंटेंस क्वाइन करेंसी ज्वेलरी ऑल द अबव, तो क्वाइन करेंसी ज्वेलरी ऑल द अबव, तो ऑल द अबव है। अगर ये तीनों रहते हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिटी कार्ड आर इशूड बाय, जो कि पोस्टल आईडी कार्ड इशू होते हैं वो कौन इशू करता है। ऑप्शन देखते हैं, सर्कल ऑफिस, बी हेड ऑफिस, सी ब्रांच ऑफिस, डी ऑल एच ओ एंड एसओ। तो यहाँ कंफ्यूजन है क्या ऑल एच ओ एंड एसओ, तो एसओ कोई इशू नहीं करता, बी ओ तो नहीं करता, तो सी हेड पोस्ट ऑफिस। अ पोस्ट कार्ड इज ट्रीटेड एज अ वायलेटिंग द कंडीशन फॉर पोस्टिंग। ऑप्शन देखते, इफ कम्युनिकेशन इज ऑन द एड्रेस पोर्शन, बी इफ अ पोस्ट कार्ड इज कट अल्टर फोल्डेड, इन सी एनी अटैचमेंट अदर देन द स्टैम्प्स फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज लेबल कंटेनिंग नेम एंड एड्रेस फॉर द सेंडर अटैच्ड, डी ऑल द अबव। अगर ये ऊपर के सभी तो ऊपर के तीनों के ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा आंसर रहता है डी ऑल द अबव। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे जो कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 और पीओ गाइड और इंडिया पोस्ट के प्रोडक्ट पे आने वाले थे। पार्ट टू देखते हैं, ये पार्ट टू जो है वो हम थोड़ा फास्ट ले लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएंगी, तो इसके सही आंसर बताऊंगा। ये जीके का और मैथ का पोर्शन है, आप इसके वीडियो भी देख सकते हैं, और यही क्वेश्चंस जीके के आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू अरविंद से, कौन सी रीजन जो कि रिवर है वो अरविंद सी में नहीं होती। तो ऑप्शन है, तुंगभद्रा, साबरमती, मंदोई, नर्मदा। तो तुंगभद्रा जो रिवर है वो अरविंद सी में फ्लो नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द गंगा प्लेन एंड द डेक्कन प्लेटू, तो कौन सी है। ऑप्शन से अरावली, विंध्या, सातपुरा, अजंता। तो विंध्या पर्वत की जो है माउंटेन की रेंजेस है वो उन्हें डिवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 33, द कच्ची न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन से उत्तरायण, बेस्ट वरस, विषु संस्कृति या आषाढ़ी बीज। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है आषाढ़ी बीज। क्वेश्चन नंबर 34, द संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, ये संगाई नाम का फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन से आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो ये मणिपुर में सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ईयर द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्मड, जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब स्टार्ट हुई थी, कब फॉर्म हुई थी। ऑप्शन है 1640, 1615, 1660 या 1670, 1660 में वो इस्टेब्लिश हुई थी। हु फाउंडेड द राम, क्वेश्चन नंबर 36, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1896 टू कैरी द ह्यूमन नाइट्रेशन रिलीफ एंड सोशल वर्क। तो ये रामकृष्ण मिशन को किसने इस्टेब्लिश, किसने किया था। तो इसके ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद या स्वामी परमानंद। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद जी ने, उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस उनके ऊपर 1896 में ये रामकृष्ण मिशन फॉर्म किया था। इथिकल कोडिज, यहाँ नैतिकता का सवाल होता है, तो ये आपका नीतिमत्ता गया, वी पुश द कस्टमर फ्रॉम शॉप, आप कस्टमर को बाहर निकाल सकते हैं, डू एंड डाई, नो, और फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू आवर कस्टमर, लेट्स गो मनी। तो इसका सही आंसर है सी, आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आवर कस्टमर।
विच आर द टेक्निक्स टेक्निक टू इम्प्रूव इथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो इथिकल बिजनेस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए क्या है, ऑप्शन देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्किंग, इथिकल कमिटी, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 39, अहमद शाह अब्दाली इन्वाइटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रेंज रिगार्ड ऑफ विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर, कौन जो कि उस टाइम कौन मुगल एम्परर था। तो मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम टू, अकबर टू। तो उस टाइम शाह आलम जो थे दो नंबर के वो थे। तो इसका सही आंसर है सी, शाह आलम। क्वेश्चन नंबर 40, द सिल्वर कॉइन विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह एंड कंटिन्यूड बाय द मुगल्स वॉज, जो कि मुगलों ने सिल्वर कॉइन था वो शेर शाह ने इंट्रोड्यूस किया था, मुगलों ने चालू किया, तो कौन सा था। ऑप्शन से रुपया, दिनार, अशरफी, मोहर। तो ये इसका सही आंसर है रुपया। ये 10 क्वेश्चन थे, ये जीके के ऊपर आए थे। अब ये 10 क्वेश्चन जो है बाकी के ये मैथ के ऊपर आने वाले हैं। तो ये जो कि मैथ का पोर्शन है मैं सिंपली पढ़ने वाला हूँ, आपको ये खुद को ही सिलेबस कर कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसके आंसर बताऊंगा क्वेश्चन बताए। द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव मल्टीपल इंटू 9 इज, तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 27। अब ये कैसे निकाला ये आप मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। तो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नंबर, तो इसका सही आंसर है 48.5। क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 73 इंटू 75 इंटू 78 इंटू 57 इंटू 197 इंटू 37 इज डिवाइडेड बाय 34। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 44, लेट n इक्वल टू 1421 डिवाइडेड 1423 इंटू 1425, तो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 12। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 45, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ बुक इज, जो कि उसका सेलिंग का प्रॉफिट है और डिस्काउंट का उसका रेशियो कितना है। तो इसका सही आंसर है ए, 45/56। क्वेश्चन नंबर 46, अ सेल एन आर्टिकल टू बी, ए सेल एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, बी सेल द आर्टिकल बैक टू ए एट अ लॉस ऑफ 10% इन दिस ट्रांजेक्शन। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, ए आइदर लॉसेस नॉर गेन, बी ए मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 11%, सी ए मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, डी बी लॉसेस 20%। तो इसका सही आंसर है बी, ए मेक्स अ प्रॉफिट, 11% प्रॉफिट उसको हो गया था। क्वेश्चन नंबर 47, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी अलोन इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। अगर ए एंड बी टुगेदर 15 दिन में कर सकते हैं तो बी अकेला 20 दिन में, तो दोनों कर सकते हैं, बी अकेला 20 दिन में, तो ये अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन ए, 60। क्वेश्चन नंबर 48, 14 एक्सप्रेस्ड एज परसेंट ऑफ 19 इज, इसका सही आंसर है 60%। हाफ परसेंट रिटर्न इज डिसिमल इज, हाफ परसेंट कैसे लिखते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, 0.005। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स आपको मैथ के क्वेश्चंस मैंने बहुत फास्ट की, क्योंकि उसके ऊपर अगर हम टॉपिक करते रहेंगे तो ये वीडियो 2 घंटे की नहीं 10 घंटे भी हो जाएगी। तो
क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द लास्ट लिस्ट नंबर ऑफ सोल्जर दैट कैन बी ड्रॉन अप टू ग्रुप्स 12, 15, 18 एंड 20 सोल्जर एंड ऑल्सो इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वेयर. तो इसका सही आंसर है 900. दोस्तों, हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखे. हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर देते हुए क्वेश्चन पहले पढ़े, उसके बाद उसका आंसर दे. नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो कि पेपर पार्ट 2 है, इंग्लिश और लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, वो देखने वाले हैं, उसके एक वीडियो आ जाएगी. तब तक आपको आप स्टडी करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू पे फोकस कीजिए क्योंकि आप समय बहुत कम है. ठीक है, चलो फ्रेंड्स मिलते हैं. आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, और कुछ क्यूरीज है, कुछ कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू.